बीती 8 जनवरी से कश्मीर के गुलमर्ग से लापता उत्तराखंड के जवान राजेंद्र सिंह नेगी का 2.5 महीने बीत जाने पर भी कोई पता नहीं चल पाया है। अब जवान के बुजुर्ग पिता बेटी की खोज की गुहार लगाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। कभी सरकारी दफ्तरों तो कभी राजनेताओं के चक्कर काट रहे हैं। बुजुर्ग पिता की पथराई आंखों में जो दर्द छलक रहा है, उसे देखकर लगता है कि बेटे की याद में अब इन बुजुर्ग आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। इसी बीच उन्होंने उपजिला अधिकारी कार्यालय कर्णप्रयाग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है। शुरुआती दौर में तो राजनेताओं से लेकर सामाजिक संगठनों ने राजेंद्र नेगी के देहरादून स्थित घर जाकर खूब सांत्वना दी, साथ ही आश्वासन भी दिया, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने राजेंद्र को भुला दिया। राजेंद्र के पिता को बेटे की वापसी की पूरी आस है, इसलिए उन्होंने उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग के माध्यम से बेटे की खोजबीन के लिए प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। साहब, हम क्या मांग करें थे कि मतलब हमारा लड़का 8 जनवरी से गुलमार्ग में लापता हो गया है। वो सेना ने बोला था कि तुम्हारा लड़का यहाँ से बर्फ में फिसल गया। हमें तभी से पता है, उन्हीं की कहने से हमको मालूम हुआ। तो मतलब जब 8 जनवरी से 2.5 महीना हो गया है, आज मैंने यहाँ पर IDM साहब को कंट्रैक्ट से ज्ञापन भी श्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी को भेजा है, और हमको इतना मतलब दुख हो गया है कि मतलब 2.5 महीना बीत गया हमारे लड़के को लापता हुए। अब मेरा इतना सोना खाना हैरान हो रखा है, क्योंकि अरे एक पिता का जब लड़का लापता हो गया तो मतलब इसमें कितना पिता को कितना दुख महसूस, मेरे को रोना अर्जना खान हैरान हो रखा है। क्या चाहते हैं आप? मैं श्री मोदी जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लड़के को जल्द से जल्द ढूंढने की कृपा करेंगे। मेरी यही मोदी जी से बार बार प्रार्थना है। मैं नम्र निवेदन से अपने तहे दिल से मोदी जी को प्रणाम करता हूँ, और वो मेरे बच्चे को मतलब चाहे कहीं भी हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, चाहे ब्रह्म में हैं, जो उनको उसको ढूंढने का कोशिश जल्दी से जल्दी। बीते 8 जनवरी से लापता जवान राजेंद्र नेगी के पिता दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। शुरुआती दौर में तो तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, राजनेता हैं, उनके घर पर पहुंचे, लेकिन आज उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी बीच जो है जवान राजेंद्र के पिता कर्णप्रयाग उपजिलाधिकारी के यहाँ पहुँचे, और जहाँ से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखा है, अब देखना ये है कि उनके पत्र पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, ताकि जो है उनके पुत्र सकुशल वापस लौट आएँ। पहाड़ TV के लिए मैं नवल खाली। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ TV, खबर पहाड़ की। बेल आइकन दबाना ना भूलें।